बच्चा डिस्कस कर रहे हैं इलास्टेशन नंबर 26, जो यहाँ पे हमें क्या समझना है बच्चा, तो हमें बोला गया द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्शन एंड सेल्स फॉर द फैक्ट्री ड्यूरिंग द 5 ईयर गिवन बिलो रिप्रेजेंट द सूटेबल डायग्राम। सूटेबल डायग्राम डेटा ध्यान से देखोगे तो दो डेटा गिवन है, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ही दिए हुए हैं, तो हमें वो समझ में आ गया कि ये जो डेटा है इससे हमें क्या ड्रॉ कर सकते हैं, तो मल्टीपल ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, मल्टीपल बार ग्राफ, एग्जैक्ट वर्ड बोलूँ तो ऐसा होना चाहिए, मल्टीपल बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो बच्चा फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्स एक्सिस पर क्या लेंगे, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पर हम ईयर लेंगे, तो हमने यहाँ लिखा हुआ है कि ईयर वाइज डेटा रिगार्डिंग द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ फैक्ट्री गिवन हियर, सो वी ड्रॉ अ मल्टीपल बार डायग्राम बाय टेकिंग एक्स एक्सिस पे हमें ईयर लेना है और यहाँ पे प्रोडक्शन एंड सेल्स फॉर वाई एक्सिस डायग्राम एज फॉलो, वो तो ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा ईयर ले लिया और यहाँ पे हमने प्रोडक्शन एंड सेल्स ले लिया। दूसरी बात बच्चा, अब जो ध्यान में रखना है प्रॉपर हेडिंग लगाना है, टाइटल जिसको बोलते हैं वो लगाना बहुत ज़रूरी है, तो वो है मल्टीपल बार डायग्राम शोइंग द प्रोडक्शन एंड सेल्स इन लैक्स, ब्रैकेट में जो यहाँ लैक्स में दिया हुआ है ना, तो इन लैक्स रुपीज़, वो लिखना बहुत ज़रूरी है बच्चा, फॉर द फैक्ट्री 5 ईयर्स के लिए, फॉर द फैक्ट्री ड्यूरिंग द 5 ईयर्स के लिए हमें लेना है। स्केल क्या होगा, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा, स्केल एक्स एक्सिस पर तो ईयर ही लेना है, वाई एक्सिस पर आप बोलोगे यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू देख लो, तो हाईएस्ट वैल्यू 150 दिख रही है और 145 नहीं 160 एंड 150, तो यहाँ से हमने 20-20 का गैप लिया हुआ है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 लैक लिखना बहुत ज़रूरी है बच्चा, तो वो ध्यान से आपको वो ध्यान क्लियर कर देना है। दूसरा बच्चा, यहाँ पे जो आपकी गलती हो सकती है वो है इम्पॉर्टेंट, पहले तो टाइटल, दूसरा है स्केल, तीसरा जो ऊपर लिखना है वो, उसके बाद यहाँ ईयर और यहाँ पे प्रोडक्शन। अब इतना होने के बाद बच्चा एक एक स्टेप वाइज इसको कभी भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करेंगे प्रोडक्शन एंड सेल को, क्योंकि ये पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हुआ है, तो इसको कभी भी हम डेटा को नहीं लिखेंगे जैसा है 2011, 12, 13, 14, 15, उसको एज इट इज़ ही लिखेंगे। तो बच्चा देखो, सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया 120 एंड 140, तो ये 2011 का डेटा है, तो 11 को हमने पहले सबसे पहले लिखा 120 पे लिखा और एक ग्राफ ड्रॉ किया, सेम वे उसके साथ हम सेल्स का भी लिख देंगे और ड्रॉ कर देंगे, सेम वे में 12, 13, 14, 15 में कर देंगे। मुझे जो इम्पोर्टेंट बच्चा बात बोलनी है, पहले वाले ग्राफ को जो डिज़ाइन करोगे तो सब में सेम डिज़ाइन करना और यहाँ पे प्रोडक्शन लिखना भूलना नहीं है, सेम वे सेल्स में भी जो आप डिज़ाइन करोगे वो सेल्स में भी प्रॉपर डिज़ाइन करनी पड़ेगी। इसके साथ बच्चा हम बोल सकते हैं बेसिक पॉइंट तो मैंने कवर अप सारे कर दिए और शांति से आप देख लोगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज का बीट सम करेंगे तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, तो आपको प्रॉपर समझ के करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।